हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद कुक विद लक्ष्मी रेसिपी। तो आज हम हमारे साउथ इंडियन का स्टेपल भजी या वड़ा बोलते हैं हम, दाल वड़ा बनाने वाले। ये चना दाल के वड़े हैं, आपने हर साउथ इंडियन डिश में देखा होगा। ये हमारे स्टेपल वड़े हैं, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, दीदी को भी बहुत पसंद है, बहुत क्रिस्पी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज हम इसकी रेसिपी बताएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए पहले हमें चना दाल लेना है। ये है चना दाल, जो हार्ड वाले होते हैं वो वाले, हमें इनको लेकर पहले भिगो लेना है पानी में। अभी इसमें पानी डाल के पहले हम इन्हें एक दो बार धो लेंगे, जिससे कोई गंदगी रहेगी तो वो निकल जाएगी। चना दाल के वड़े आप हमेशा आप देखोगे हमेशा जो थाल होती है ना, जो साउथ इंडियन थाल जो पत्ते में होते हैं उसमें ज़रूर होती है, और ऐसे स्ट्रीट में भी बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ नहीं मिलती पर साउथ इंडिया में स्ट्रीट में चना दाल के वड़े बहुत इजीली मिल जाते हैं। आप जाओगे साउथ में तो आप देखोगे। धोने के बाद इसमें वापस पानी डाल के 3 घंटे के लिए हमें भिगो लेना है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा होगा चना दाल मैंने भिगा दिया है 3-4 घंटे के लिए, ये भीग गया है। अभी मैं धो के इसको पानी निकाल देती हूँ। इस तरह मैंने छान लिया है क्योंकि ये ड्राई लगता है, इसको पानी नहीं लगेगा इसको, ये वड़ा बनाने के लिए, मसाला वड़ा बनाने के लिए। तो इसमें अभी हम इसको इसके साथ पीसने के लिए हम ले लेंगे एक मिक्सर, और उसमें डालेंगे ये बारीक ये कड़ी ये सूखा मिर्ची और ये कड़ी पत्ता, इसको क्रश कर लेंगे पहला। अरे बड़ी शेर, आधा चम्मच लगभग बड़ी शेर, आधा चम्मच लगभग जीरा, इसको हम क्रश कर लेंगे पहला मिक्सी में। अभी थोड़ा सा क्रश हुआ है, इसके साथ ही हम डालेंगे ये चना दाल, क्योंकि बहुत पाउडर नहीं बनाने का, फिर वो पेस्ट हो जाएगा। इसके साथ हम ये चना दाल डाल के इसको क्रश कर लेंगे, इन्हें पीस लेंगे वड़ा के लिए। इसको ड्राई पीसना है, इस तरह दरदरा पीसना है। आप देख सकते हैं सूखा मिर्ची भी पीस गया और कड़ी पत्ता भी पीस गया, बड़ी शेप और जीरा वीरा सब क्रश हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह इसी तरह हमको पीसना है वड़ा के लिए, ये क्रश करना है, इसको पीसना है। मसाला वड़ा वैसे ही होता है, इसी तरह से बनता। तो हम एक बर्तन में निकाल लेंगे सर। बाकी का भी हम पीस लेंगे जो बचा हुआ। बिना पानी का ये भी पीस के हो गया। अब देख सकते हैं इसमें ये दाल दाल दिखना चाहिए, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। ये अभी हो गया, इसमें सब मिक्स कर देंगे अभी डाल के एक साथ। ये बहुत टेस्टी लगता है, ये हर फेस्टिवल में हम लोग साउथ इंडियन लोग ये वड़ा पायसम बनाते ही हैं। ये मसाला वड़ा बहुत टेस्टी लगता है, टी टाइम में भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। और आपने होटल में ही खाया होगा, घर पे कभी बनाने को आपको टाइम ही नहीं लगा मिला होगा, या आपको पता भी नहीं होगा ऐसे मसाला वड़ा बनते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अभी हमने ये सब पीस लिया, अभी इसमें डालेंगे हम कटे हुए हरी मिर्ची, लगभग 2 हरी मिर्ची, क्योंकि हमने सूखा मिर्ची डाले थे तो भी हरी मिर्ची डालेंगे, उससे टेस्ट अच्छा लगता है। और ये अदरक थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और ये गार्लिक बारीक कटा हुआ, और ये आनियन लगभग 2 आनियन इसको बारीक कटा हुआ, ये सब हम डाल देंगे इसमें। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें, इसमें जितना वड़ा के लिए चाहिए उतना हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हींग, हींग डालना ज़रूरी है क्योंकि चना दाल है, गैस होगा इसीलिए थोड़ा सा हींग। तो हम अभी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरफ से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये आपने ये पेड़ का कड़ी पत्ता अभी ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसमें, हरा भरा आम तो पहले पीस लिए थे तो भी ऊपर से हम इसको तोड़ के ऐसे हाथों से तोड़ के डालेंगे, अच्छा फ्लेवर देता है और टेस्टी भी लगेंगे और दिखेगा भी हरा भरा। कोथमीर डालने का ज़रूरत नहीं, इसमें कोथमीर नहीं पड़ता है ना, हरा धनिया नहीं पड़ता है। अब ये सब पीस के हो गए, अभी हम इसका गोले बना लेंगे इस तरह वड़ा शेप, इसको दबा के बहुत प्रेस नहीं करना है, हल्का हल्का इसको इस तरह हाथों में रख के ऐसा प्रेस कर देना है। अब हो गया, अब देख सकते हैं इस तरह। अभी ये तेल गर्म हो गया है, इसमें हम मैं डाल देती हूँ अभी, अभी तेल गर्म हो गया है, अभी मैं छोड़ देती हूँ इसमें धीरे धीरे। हल्के आँच पे इसको रखना है, तेल गर्म होने के बाद इस तरह वड़ा बना के हम इसको छोड़ देंगे इस पे धीरे धीरे। बहुत टेस्टी लगता है मसाला वड़ा, ये मसाला सब डाला हुआ आपने देखा ना, अदरक लहसुन जीरा बड़ी शेप कांदा मिर्ची सब डाला हुआ है, इसीलिए इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। ये सबको पसंद आएगा क्योंकि घर पे सब अभी बैठे हैं, छुट्टी का टाइम है मई का, तो सब बड़े बड़े लोगों को भी खाने को अच्छा लगेगा, बच्चे भी पसंद करेंगे। बच्चों को डालते हुए ग्रीन चिली मत डालिएगा, वो बच्चे ज़्यादातर पसंद नहीं करते, रेड चिली बराबर है, उसके अंदर जो भी क्रश हो जाता है उसमें अच्छा लगता है। अब देख सकते हैं अभी बड़ा बन रहा है, अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा और थोड़ा पकने देंगे इसे, अभी कलर चेंज नहीं हुआ, अभी अंदर से पकना है ये। ये अभी हो गया, स्लो इसको पकाना चाहिए नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा और ऊपर से वो ब्राउन हो जाएगा, से अच्छा अंदर भी अच्छा पके और क्रिस्पी हो जाए। आप देख सकते हैं अभी रेडी हो गया है मेरा मसाला वड़ा, कलर भी देख सकते हैं गोल्डन अभी हो गया है, नहा धो के मैंने वड़ा भी बना लिया है। तो ये मेरे माँ के लिए मैं डब्बे में डाल के लेके जा रही हूँ, आज तो गुरुवार है तो पूजा भी कर लिया है मैंने। आप देख सकते मेरा गुरुवार का पूजा हो गया है, धूप भी लगा दिया एकदम अच्छा अच्छा अरोमा आ रहा है। इसके साथ नानी को भी काम पड़ गया, नानी काम कर रही है, कपड़े घड़ी कर रही है, नानी कपड़े घड़ी कर रही है, नानी को ये टेंशन है ये कौन सा कपड़ा पहन के जाए इंटरव्यू में, इधर उधर घड़ी घड़ी उसको जाना पड़ता है, इसलिए सब कपड़ा चूज़ कर रही है घड़ी कर रही है। इसके साथ मैं अभी वड़ा खा के जाती हूँ, ये वड़ा बना के हो गए, अभी मैं रखती हूँ मेरी माँ के लिए थोड़ा लेके जाती हूँ। एक टिश्यू पेपर देना नानी, अरे देना क्या हुआ दो है, अरे रेन देना, टाइम पास कर रही है ये लड़की, मुझे एक तो जाना है एक तो ट्रैफिक भी रहता है मेन, तो ये गर्मा गर्म वड़ा रख देती हूँ। 3 4 5 6 यो ये हाथ में बंदे हो रहे हैं, बंद करूँगी। अब एक बार ट्राई कीजिएगा, सब खाइएगा फिर बताइए कितना अच्छा टेस्टी बनता है ये सिंपल सा मसाला वाला जो होटल में मिलता है, साउथ इंडियन रोड साइड में भी बेचते हैं, कितना अच्छा ये बनाते हुए इतना अच्छा सुगंध आता है ना ये मसाला वड़ा का, टेस्ट भी उतना ही अच्छा है इसका। अभी मैं जा रही हूँ काम पर, मम्मी भर रही है टिफ़िन में, घर में पूरा धुआं धुआं हो रहा है, रीज़न है धूप, और यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं सभी, एक एक करके कैटेगराइज कर रही हूँ, बहुत सारे कबर्ड के अंदर के हैं, मतलब वो वाले वो वापस कबर्ड के अंदर रखने, उतना भी ठंडा पानी गर्म पड़ता है एकदम पानी पानी हो जाते हैं, थोड़ा 5 मिनट के आवाज़ लेते हो नहीं तो उसके पास गैस के पास भी करा रहना है, बोले जाके एकदम अलग गर्म होता है।
आज नहीं चाय बनाया, आज किचन पे इन्होंने पूरा लेके रखा था, और जब भी वो नहाने गई तभी मैं हमेशा चाय बनाती हूँ, पर आज तभी पकौड़े ही बन रहे, मतलब वही तल ही रहे थे ना, इसके लिए रह गया। इसको कैच पानी पी लो कि चाहिए चाय, ऐसे भी देर हो जाएगा। आज खीर कैसी थी? आज गुरुवार की खीर अच्छी बनी थी, हमेशा अच्छी नहीं बनती, कभी कभी अच्छे बन जाते, कभी कभी नहीं। चलो अब खा के, अब चलिए।